अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ शेख जी, रात में सोना सुन्नत, जल्दी सोना सुन्नत है, तो हम दीन का इल्म सीखने के लिए लेट सोना सकते हैं, लेट सो सकते हैं। जी, क्या सवाल किया बहन ने? शिष्या का सवाल ये है शेख कि रात में जल्दी सोना सुन्नत है, तो क्या हम दीनी उलूम हासिल करने के लिए रात में जाग सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर अगर रात में इशा के बाद हमको अगर कोई काम नहीं है तो फकत फालतू में जागना ये जो है खिलाफ सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है। लेकिन हम अगर किसी मकसद से जाग रहे हैं, चाहे वो उखरवी मकसद हो, इबादत करना मकसूद हो, या दुनिया का कोई काम हो जो अच्छा काम हो, दुनियावी किसी काम से जो कि जायज काम है, अगर उस काम से जाग रहे हैं तो जायज है। तो जैसा कि आपने कहा कि कोई पढ़ने के लिए जागना चाहता है, बिल्कुल जाग सकता है, बल्कि अगर वो दीनी इल्म पढ़ रहा है तो वो इबादत कर रहा है और उसे उस पर अज्र मिलेगा। तो बजाय इसके कि ये समझना कि ये खिलाफे सुन्नत है, बल्कि ये इबादत है। अगर कोई ईशा के बाद पढ़ाई कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र अजकार कर रहा है, या कोई पढ़ाई कर रहा है तो जायज है। अगर शरई पढ़ाई है तब तो ये इबादत है, और अगर दुनियावी पढ़ाई है तब भी ये दुनिया जायज काम है, तो जायज काम के लिए भी आप जाग सकते हैं। बस फालतू में नहीं जागना है, ना तो हराम काम के लिए जागना है, ना तो बिना सबब जागना है। अगर किसी जायज काम के लिए या किसी इबादत के लिए कोई जागना चाहता है तो जाग सकता है।